छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और पूरे जिले में छठ पर्व मनाए जाने वाली घाटों पर प्रशासन व्यापक इंतजाम कर रहा। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय के नगर पालिका सिद्धार्थनगर में करीब 12 जगह पर छठ पर्व को लेकर के महिलाएं और उस सूर्य को अर्घ देंगी। साथ ही नगर पालिका सिद्धार्थनगर के इन जगहों पर नगर पालिका द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर पालिका सिद्धार्थनगर का ये नौगढ़ घाट है, आप यहां की तैयारियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का जिला और नगर पालिका प्रशासन छठ पर्व को लेकर कितना मुस्तैद है। और इस बार छठ पर्व मनाने वाले घाट के आसपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाए जा रहे हैं, साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के चित्र भी इन दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर नगर पालिका ने छठ व्रती महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए। दिनों दिन छठ की महत्ता बढ़ती जा रही है, इसमें सिद्धार्थनगर जिले में जिस तरह से तैयारियां हैं उसको भी देखा जा रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। छठ का महत्व मुझे लगता है इसलिए बढ़ रहा है कि साक्षात हम सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य कोई एक, चाहे वो किसी भी कोई संप्रदाय का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी जात का हो बिरादरी, अगर ये सूर्य ना हो तो ना उत्पादन होगा, ना अन्न होगा और न लोगों के जीवन में ऑक्सीजन मिलेगा। तो एक तरह से ये प्रकृति है जिसको हम साक्षात देख रहे हो, जिसका साक्षात है, जिससे जीवन है। और इसका इतना कठिन व्रत है, 17 तारीख से शुरू हुआ और 17 तारीख को नहाए खाए हुआ, आज 18 को खरना है। अब आज शाम के बाद गुड़ और चावल रसियावल खाने के बाद 19 से आज शाम के बाद से निराजल व्रत, पूरी रात निराजल व्रत, कल पूरे दिन निराजल व्रत, कल रात को निराजल व्रत 20 को, और 20 की सुबह सूर्य के निकलने पे पहली किरण पे अर्घ दे करके सूर्य को उस, और तब ये 4 दिन का व्रत पूरा होता। तो ये व्रत एक तरह से सूर्य की उपासना है और सूर्य लोगों के लिए जीवन है। इस बार जिस तरह से सिद्धार्थनगर के मुख्यालय के इस छठ घाट पे नगर पालिका के चेयरमैन श्री गोविंद माधव जी और पूरी नगर पालिका कर रही, तो ये तो अद्भुत, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई सिद्धार्थनगर के छठ घाट पे नहीं बल्कि पटना के गंगा घाट पे हैं। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं जिस तरह की एक सफाई, जिस तरह के टेंट, शामियाना, युद्ध स्तर पे आप देख रहे हैं सफाई चल रही। मैं बरसों से यहाँ आता हूँ लेकिन इस तरह से नदी के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर थे उनको निकाला और यहाँ आने तक, नीचे तक आता था तो पैरों में कंकड़ लगता था। और वो बहनें इस पानी में खड़ी होती हैं, पहली बार उस पानी के अंदर मैट डाला जाएगा जिससे महिलाएँ अगर शाम को सूर्य के अस्ताचल गामी पे सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी होंगी तो घंटों खड़ी रह सकती है। और सुबह भी 3 बजे से 4 बजे से जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक खड़ी रहती है, तो उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। तो उस आस्था, उस कठिन तपस्या के लिए हमारी नगर पालिका जो उनकी सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है, मैं उसके लिए अपने चेयरमैन को, यो को, सभी सभासदों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस पर्व से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। प्रत्येक वर्षों में हमेशा इस घाट पर रहता हूँ और उन छठी माई जो हमारी, उनके व्रतियों को हमेशा शुभकामना दिया, उनसे आशीर्वाद लिया और हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसको इस बार उन्होंने भव्य स्वरूप कर दिया, चाहे वो चाय का स्टॉल हो या लोगों के लिए सुविधाएं हो। और इस पानी के अंदर छठी मैया के भजन दोनों तरफ के लोग सुन सकें, उस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। तो निस्संदेह इस